भाई 40-40, 50-50 साल से एक ही आदमी चल रहा है, वो दूसरे को आने भी नहीं दे रहा है। हम हब देखते हुए बोला, अरे इसको रोको, अरे इसको। आप देखे सलमान खान, रोहित शेट्टी, प्रभु देवा, एकता कपूर, ये सारे मुझे अंदर बिग बॉस में और खतरों के खिलाड़ी में वादा किए हुए है, बहुत टैलेंटेड है, एक नंबर है, ये है, लेकिन काम फवाद खान को देंगे, सपोर्ट फवाद खान को करेंगे, हमको नहीं करेंगे सर। ओके, हो सकता है मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। थ्री इडियट के कहना है मुझे, यू नो, तीन दोस्त का नहीं, तो क्या एजाज आमिर खान निभाते नजर आएंगे फिल्म में? भाई मैं मोंटी निभा रहा हूं, आमिर खान, आप आमिर खान का रोल बहुत अच्छा था, मेरा भी रोल बहुत अच्छा है, ये दोनों का रोल बहुत ही खराब है। जिस तरह माधवन और शर्मन जोशी पर देखिए तीन दोस्तों पे तो यार भाई बताओ, मेरा रोल कहीं ना कहीं वैसा ही रिलेटेड, क्योंकि दोनों भक्त भी है राजकुमार ईरानी के, तो कुछ प्लॉट वैसा नहीं है, बहुत अलग प्लॉट है, पर हाँ मैं एक बिगड़ा हुआ दोस्त हूँ जिसके वजह से इन दोनों के लवड़े लग जाते हैं और जिंदगी इनकी इतनी बुरी हो जाती है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्लाइमेक्स में पता चलेगा कि दोस्त हो तो मोंटी जैसा हो, वरना हो ही नहीं। और तीन दोस्तों पे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी है, दिल चाहता है भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू नो थ्री इडियट्स को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो स्टोरी हमारी पूरी अलग है और आपको बहुत ही नई स्टोरी देखने को मिलेगी, ये आपने पहले नहीं देखी होगी, ये मेरा दावा है, ऐसी स्टोरी है। भाई इसको चालू करो यार, प्लीज यार, भाई ये पंखे कौन बंद कर दिया यार दोनों, भाई थोड़ा यार पसीना आ जाएगा, क्या चालू करना यार, तूने बंद कराया क्या? अरे मेरा भाई, ये सब लोग तो ले रहे थे यार, अभी ले लेना भाई, मेहरबानी करे, चालू कर यार, प्लीज चालू कर दे इसको। भाई हाँ यार, थैंक यू भाई, कि अभी हमारे पास बहुत सारे जो है वो फिल्म देखने के लिए है, 15-20 दिन तो हमारे पास टाइम नहीं है, 15-20 दिन वेट करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार कॉल करने के बाद और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 15-20 दिन बाद फिल्म देखी और 18 कट को एज इट इज उन्होंने ये कर दिया कि सर जो सेंसर बोर्ड का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने वो 9 तारीख की डेट भी जाने दी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में ऑलरेडी अपनी जो प्रोमो चला रहा था टेलीविज़न पे, मीडिया नेट की डील कर चुका था, पब्लिसिटी मेरी पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, मैं उसको डिलीवर कर चुका था। उसके बाद क्या हुआ, ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर हमको बताया कि जो चीफ जस्टिस हैं एस के महाजन, जो कि बेसिकली ये लुक आफ्टर करते हैं, वन मैन शो हैं, वैसे कहने के लिए तो 4 मेंबर हैं वहाँ पे, और 3 लोग और हैं, तो एक कमेटी इस फिल्म को देखती है तो वो असमर्थ है, क्योंकि एस के महाजन जो हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज हैं और शायद हो सकता है कि आपकी फिल्म को 1 से 1.5 महीना लग जाए। मैंने करीब करीब 1 महीना तक वेट किया, 1 महीने के बाद मैं पर्सनली गया तो मुझे पता चला
मीडिया जा रही है सर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरी वो फिल्म को देखा जाए, कैसा ऑर्डर पास किया, फिर मुझे एक्सक्यूज मिला कि अपनी जो पूनम भी है अर्शन भाई हाउ इज इट वर्किंग विद एजाज भाई, जस्ट हो गया खत्म। नहीं नहीं वो बंदा जस्ट खत्म हो गया। एजाज भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस क्यों आए और लवडे का हिस्सा बने, व्हाट मैसेज डू यू गिव टू द ऑडियंस, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट? भाई दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ दोस्तों का पता चलता। अगर आप दोस्ती में मानते हैं, इंटरटेनमेंट में मानते हैं, आपको ये लगा है कि मैंने 3 महीना बिना डायरेक्टर, बिना कैमरामैन, बिना स्क्रिप्ट हिंदुस्तान को इंटरटेन किया है, तो आप ये फिल्म आई है, इसमें डायरेक्टर्स भी है, कैमरामैन भी है और राइटर्स भी है। मैं इंशाल्लाह आपको और इंटरटेन करूँगा, और मेरे साथ दो, एक करण जौहर के बॉयफ्रेंड भी है और ये भी है। आप इंडस्ट्री में किसे अपना दोस्त मानते हैं और अपनी कामयाबी के लिए आप जहां भी जिस जगह भी मौजूद हैं, जो भी आपने कामयाबी हासिल की उसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? भाई इंडस्ट्री में तुम्हारे दोस्त हर फ्राइडे बदल जाते हैं, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में। पर फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो दोस्त मेरे सोनू सूद है, वो जनीन खान है, वो गौर खान है, वो संग्राम सिंह है, वो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे, सोनू निगम है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मेरी फिल्म के लिए, अरमान मलिक है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इनको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और यही कहूँगा कि दोस्ती दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है, पर धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म होती जाती है यार। मतलब अगर आपकी फिल्म आ रही है और आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत है, तो 500 में से आपको 5 ही दोस्त सपोर्ट करते हैं, 500 कर दे तो आपका बहुत भला हो सकता है। सलमान भाई भी अगर मुझे एक वीडियो भेज दे, ट्वीट कर दे, मतलब वो काले कुत्ते के लिए ट्वीट कर देते हैं, मेरे लिए नहीं किया यार। मतलब मेरे लिए बनता है यार, सलमान भाई का ट्वीट भी बनता है, और मेरे लिए जिस तरह फवाद खान के लिए वो आवाज़ उठाए, उस तरह मेरे लिए भी आवाज़ उठा के ये बोल दे कि भाई मेरा भाई एजाज खान मेरे शो में आया था, 7 में भी आया था, 8 में भी आया था, मैंने इसको बोला ये टैलेंटेड है, मैंने इसको बोला ये एक नंबर है, मैंने ये बोला एंटरटेनमेंट का किंग है, मैंने नहीं, उन्होंने खुद बोला है। और अब जब मेरी पिक्चर आ रही है तो वो फवाद खान पे लगे हुए हैं, भाई भाई मेरे भाई सलमान भाई, अपन यहाँ पे है ना भाई, आरी रोड पे रह रहा हूँ एजाज खान यार, इतनी दूर जाके सपोर्ट करने से अच्छा यहीं कर दो यार भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार।